हेलो चिल्ड्रन, हम देख रहे थे आपका लेसन 7 जॉली किटन्स। जॉली, पेंसिल लेके रेडी हैं? चलिए मीनिंग्स लिखते जाइए। जॉली का मतलब होता है खुश मिजाज, हसमुख, जो हमेशा हंसता रहता है आप लोगों के जैसे। जॉली किटन्स यानी बिल्ली के बच्चे। किटन्स बिल्ली के बच्चे, जॉली का मतलब हसमुख या खुश मिजाज। आइए आपके इस लेसन को देखते हैं। चार बिल्लियां दिख रही हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके। बिली, फनी, किटी, बनी, इनके नाम एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। बिली, फनी, किटी, बनी। The cat sent her kittens to buy some plates. Cat, बिल्ली, sent, भेजा। बिल्ली ने भेजा अपने kittens को, अपने बच्चों को, to buy. Buy का मतलब खरीदना। क्या खरीदने के लिए? कुछ plates, यानी तश्तरियां, जिसमें हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। On their way back home, back वापस, way यानी रास्ता, जब वो घर के लिए वापस आ रहे थे, the kittens thought, बिल्ली के बच्चों ने सोचा, thought का मतलब सोचा, what are these plates for? ये plates किस लिए हैं? बनी, बनी की फोटो देखिए। बनी द एल्डेस्ट वन सेड, बनी सबसे बड़ा है उम्र में। उम्र में बड़े को हम क्या बोलेंगे? एल्डेस्ट। एल्डेस्ट के नीचे लिख लीजिए उम्र में सबसे बड़ा या आयु में सबसे बड़ा। ठीक है, तो उम्र में सबसे बड़ा हमारे पास में कौन है? बनी। सबसे बड़े बनी ने कहा, सी, देखो, आई नो, नो का मतलब जानना, इसमें के को आप उच्चारित नहीं करेंगे, नो का मतलब जानना, आई नो द प्लेट्स आर फॉर प्लेइंग, तश्तरियां खेलने के लिए हैं। यस, The plates are for playing. तश्तरियां खेलने के लिए हैं। सारे के सारे बोलते हैं, देखो खेल रहे हैं इसमें। आपके बुक में फोटो है ना खेलते हुए? हाँ। गाना गाने लगे, ट्राला लाला, plates are for playing, ट्राला लाला, plates are for playing. Playing यानी खेलने के लिए, खेल रहे हैं देखिए plates से। बिल्ली के बच्चे, बिल्ली फटी, बिल्ली, फनी, किटी, बनी। But suddenly it began to rain. अचानक, began, शुरू हो गया। क्या चीज शुरू हो गई? बारिश। Kitty said, I think, मैं सोचता हूं या सोचती हूं, जो भी, the plates are for keeping off the rain. Plates, वर्षा से बचने के लिए। उसने अपने सिर में छतरी की तरह से प्लेट को लगा लिया। यस, द प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन। सबने अपने सिर में छतरी की तरह से प्लेट्स को लगा लिया और कहा, प्लेट्स तो वाकई बारिश से बचने के लिए हैं। देन दे स्टार्टेड सिंगिंग, फिर गाना गाने लगे, ट्राला लाला, प्लेट्स आर फॉर कीपिंग ऑफ द रेन, plates are for keeping off the rain, tra la la la. They came near a river. They का मतलब वे, came पहुंचे, आए, near यानी पास, they माने वे, came माने पहुंचे, आ गए कहां, near का मतलब पास, river का मतलब नदी, river का मतलब नदी,
नदी के पास वो लोग पहुंच गए. दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर. वे वॉन्टेड यानी चाहते थे क्रॉस द रिवर. क्रॉस यानी पार करना. किसको पार करना चाहते थे? रिवर का मतलब नदी. वेयर इज द बोट. वेयर का मतलब कहां. बोट यानी नाव. नाव कहां है? आई कांट सी एनी बोट. मुझे तो कोई नदी पार करने के लिए कोई नाव नहीं दिखाई पड़ रही है. हाउ डू वी क्रॉस द रिवर नाव? बच्चे बिल्ली के परेशान हो गए, अब हम नदी पार कैसे करेंगे? बिली द शॉर्टेस्ट ऑफ द किटन सेड. सारे किटन्स में सबसे छोटा किटन है बिली. शॉर्टेस्ट साइज में छोटा, आयु में छोटा नहीं, शॉर्टेस्ट आकार में छोटा. लिख लीजिए शॉर्टेस्ट आकार में छोटा. तो आकार में जो सबसे छोटा किटन है बिली, वो बोलता है I have an idea. मेरे पास एक विचार है. I feel the plates are for sailing. शायद प्लेट्स का उपयोग तैरने के लिए किया जाता होगा. हम इसमें तैर सकते हैं. Oh yes, plates are for sailing. सबके सब खुश हो गए, प्लेट पे तैर रहे हैं. ट्रा ला ला ला, गाना गाना शुरू कर दिया. आगे चलते हैं. द किटन्स रीच्ड होम. किटन्स पहुंचे घर. एट द गेट. गेट पर स्टूड अ पफ द बर्ड. एक घमंडी चिड़िया बड़ी सी उनके घर के दरवाजे पे थी. रन रन रन. डर के मारे बड़ी घमंडी चिड़िया को देख के, गुस्सा चिड़िया को देख के भागे बोलो. Funny, the youngest of them said, funny जो उनमें सबसे उम्र में छोटा था. नोट कीजिए, youngest उम्र में छोटा. तो funny जो उम्र में छोटा था उसने कहा, no, don't get scared. नहीं नहीं, डरो मत. scare यानी डरना. डरो मत. see what I do. देखो मैं क्या करता हूं. bang bang bang. उसने प्लेट को जोर से बजा दिया. सी द बर्ड इज स्केर्ड एंड इट इज फ्लाइंग अवे. देखो चिड़िया डर गई और भाग गई. स्केर का मतलब डरना. चा ला ला ला, प्लेट्स आर फॉर ड्राइविंग द बर्ड अवे. प्लेट्स चिड़िया भगाने के लिए है. चा ला ला ला, फिर से गाना गाने लगे ये लोग. एज दे केम टू द डोर सिंगिंग एंड डांसिंग. जब वो लोग अपने घर के दरवाजे पे पहुंचे सिंगिंग एंड डांसिंग, नाचते गाते हुए, देयर मदर केम आउट. देयर टी एच ई आई आर. देयर यानी उनकी या उनका. उनकी मम्मी बाहर आई. शी सेड, उन्होंने कहा, व्हाट्स दैट नॉइस? ये हल्ला क्यों? व्हाई आर यू सिंगिंग? गाना क्यों गा रहे हो तुम लोग? यू लुक वेरी हैप्पी. बहुत खुश नजर आ रहे हो. यस माँ, बहुत खुश हैं बच्चे. माँ वी आर हंग्री. मम्मी हमें भूख लगी है. हंग्री का मतलब भूखा, भूख लगना. वेयर आर द प्लेट्स? प्लेट्स कहाँ है? Here they are. अपनी प्लेट्स दिखाते हैं. सबकी प्लेट खूब गंदी हो गई है. देखिए, मदर आस्क द किटन्स टू वॉश themselves. उनकी मम्मी कहती है, जाओ पहले हाथ मुंह धो के आओ, प्लेट्स को साफ करके आओ. फनी, गो एंड वॉश योर सेल्फ फर्स्ट. चलो जाओ पहले मुंह हाथ धो के आओ. फनी, एवरीबडी गो एंड वॉश योर सेल्फ. आई थिंक इट इज खीर. अब इन लोग को भूख तो लगी है, लगता है मम्मी ने खीर बनाई है. आई थिंक इट इज मिल्क ब्रेड. एक दूसरा बच्चा बोलता है, नहीं मिल्क ब्रेड दूध और ब्रेड होगी. आई एम श्योर इट इज ब्रेड एंड बटर. एक बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ब्रेड और मक्खन होगा. यस स्मेल्स लाइक ब्रेड बटर. खुशबू तो ब्रेड और बटर की आ रही है. I want more. खाते हैं और चाहिए. Very tasty. Tasty का मतलब स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है. नोट कर लीजिए, tasty यानी स्वादिष्ट, स्वादिष्ट. Very delicious. Tasty, delicious दोनों का मतलब होता है स्वादिष्ट.
अगर बच्चों को स्वादिष्ट लिखते नहीं बन रहा है तो टीचर प्लीज ब्लैक बोर्ड पर लिख के दिखाइए स्वादिष्ट। आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए। वेरी टेस्टी, बहुत डिलीशियस, स्वादिष्ट है। When they finished their lunch, जब उन लोगों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया, लंच समाप्त कर लिया, they were surprised to see the plates. वो आश्चर्यचकित हो गए प्लेट्स को देखकर। New plates, नई plates. Now we know what the plates are for. अब पता चला कि प्लेट्स किस लिए थी। All of them started singing. सबने गाना शुरू कर दिया। Tra la la la, plates are for keeping food. Plates किसके लिए होती हैं? भोजन को रखने के लिए। So that was your lesson, Jolly Kittens. एक बार हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। बिल्ली के चार बच्चे। बिल्ली के घर में प्लेट की कमी थी। उसने चारों बच्चों को प्लेट खरीदने के लिए भेजा। चारों बच्चे प्लेट खरीदने गए। उनको समझ में नहीं आया कि प्लेट्स किस काम के लिए आती हैं। रास्ते में वो उससे खेलने लगे। गाना गाते खेलते हुए वो आ रहे थे, उतने में बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो उन्होंने प्लेट की छतरी बना ली, सिर पे प्लेट रख लिया, और उनको लगा अरे प्लेट्स किसके लिए होती हैं? बारिश से बचने के लिए। पहले उन्होंने प्लेट को खेलने के लिए यूज किया तो उन्होंने दिमाग लगाया प्लेट्स जो होती हैं वो खेलने के लिए होती हैं। फिर उन्होंने सोचा नहीं, प्लेट्स बारिश से बचने के लिए होती हैं। उसके बाद आगे गए, नदी मिली उनको। नदी उनको तैर के पार करनी थी। तैरने के लिए कोई बोट वहां मौजूद नहीं थी जो बोट से वो पार हो जाते। उन्होंने प्लेट पे खड़े होके नदी पार की तैर के। तो उनके दिमाग में ये लगा कि प्लेट्स जो है वो किस चीज के लिए है? नदी पार करने के लिए। फिर गाना गाने लगे कि प्लेट्स नदी पार करने के लिए है। जब वो घर पहुंचे तो वहां उनको घर के गेट पे मिली एक घमंडी चिड़िया, पफ्ड अप बर्ड, एरोगेंट बर्ड, गुस्सैल, घमंड से भरी हुई, फूली हुई चिड़िया मिली। डर के वो लोग भागने लगे। तो उनमें से एक फनी, जो उम्र में सबसे छोटा था, उसने कहा डरो मत, देखो मैं कैसे भगाता हूं। प्लेट को उसने बैंग बैंग जोर से बजाया, चिड़िया भाग गई। सब खुश हो गए। अब उनको लगा कि प्लेट चिड़िया भगाने के लिए। घर पहुंचे, मम्मी ने कहा क्या बात है, तुम लोग बहुत खुश हो। सब बच्चे बोलते हैं हमको भूख लगी है। ठीक है, जाओ मुंह हाथ धो के आओ। मुंह हाथ धो के प्लेट साफ करके बच्चे खाना खाने बैठे तो उनके मन में तरह तरह की चीजें, आज मम्मी ने क्या बनाया होगा। किसी ने कहा खीर, किसी ने कहा मिल्क ब्रेड, किसी ने कहा ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर यानी ब्रेड और मक्खन। सब बच्चे खाते हैं और बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद जब वो खा लेते हैं तो देखते हैं अरे प्लेट्स किस चीज के लिए है? भोजन रखने के लिए है। फिर वो गाना गाते हैं कि प्लेट्स किसके लिए है? भोजन रखने के लिए। अब आइए हम इसकी एक्सरसाइज को एक बार देख लेते हैं। How many kittens went to buy the plates? कितने kittens, how many, यानी कितने, नोट करिए वहीं पर। How many, कितने, went, गए, kittens, बिल्ली के बच्चे, plates to buy, buy यानी खरीदना, plates खरीदने बिल्ली के कितने बच्चे गए, आपको मालूम है। Very good. The kittens had many ideas about the use of the plates. बहुत सारे विचार थे कि plates किस किस प्रकार से use की जा सकती हैं। Make a list of these ideas. आपको ये सबकी list बनानी है। उन्होंने खेलने के लिए कहा, उन्होंने कहा बारिश से बचने के लिए, उन्होंने कहा तैरने के लिए, उन्होंने कहा चिड़िया को भगाने के लिए, और फाइनली उनको पता चला कि प्लेट्स किसके लिए हैं? नाश्ता करने के लिए, खाना रखने के लिए। इसकी लिस्ट आपको करनी है। हर एक शब्द आपकी किताब में है, छाटिए, अंडरलाइन कीजिए, लिखिए। व्हाट वेयर द प्लेट्स फॉर? प्लेट्स वास्तव में किस चीज के लिए थी? वेरी गुड। व्हाई डिड द मदर आस्क देम टू बाय द प्लेट्स? मां ने उनको प्लेट्स खरीदने के लिए क्यों भेजा था? यस, उनके पास प्लेट्स नहीं थी। व्हाट स्केयर्ड द किटन्स एट द गेट? कौन सी चीज ने किटन्स को गेट पे डरा दिया था? यस। व्हाट स्केयर्ड द पफ्ड अप बर्ड? पफ्ड अप बर्ड को किसने डराया? उस घमंडी चिड़िया को किसने डराया? आप देखिए। वेरी गुड। चूज द राइट आंसर।
The kittens were? Kittens the? Friends, brothers and sisters, servants working in a house. Kittens kya the? Very good. So, this was your lesson number 7, Jolly Kittens. See you in the next class.